ऐसे तो सर से सबके हृदय में बसे बसा हुआ, जो सबके हृदय में बसा हुआ है उसी के प्रति नमन, झुकना, बंदगी, प्रणाम, नमस्कार, दंडवत, सीताराम कहने की कई भाषा है। आशय कही है कि हम तो सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है आपका आपा, आपकी चेतना, आपकी आत्मा, उसी गहराई में परमात्मा रूपी साक्षात्कार का अनुभव होता है। तो उस तथ्य को समझने के लिए सत्संग में हम लोग जो है समय देते हैं, आत्मा के बारे में जहाँ अध्ययन करते हैं वही अध्यात्म कहलाता है। आप बैठे हैं और शरीर में दर्द हो तो यही कहते हैं शरीर में दर्द है, बैठे हैं कमर दर्द हो तो कहेंगे कमर में दर्द है, कभी आते नहीं कहते मेरे में दर्द है, बैठे बैठे सिर दुख रहा है तो कहेंगे मेरा सिर दुख रहा है, आप ये नहीं कहते मैं दुख रहा हूँ, हाथ दर्द कर रहा है तो आप कहते हैं मेरा हाथ दर्द कर रहा है, आप ये नहीं कहते मैं दर्द कर रहा हूँ, पेट में दर्द है, आप ये नहीं कहते मेरे में दर्द है, तो वह आप है, पेट दर्द कर रहा है, नहीं आप कहते मैं दर्द कर रहा हूं, इसलिए आप मैं का स्वरूप सबके अंतर में जो मैं के रूप में निरंतर विद्यमान है, एक मैं आत्मा के लिए है और एक मैं अहंकार के लिए है। यहाँ पर जो मैं शब्द है आत्मा के लिए है, जो आपका मैं है, आपकी चेतना है, आपकी आपा है, आप उसके बारे में जब अध्ययन करते हैं तो ही अध्यात्म का शुरुआत हो जाता है। और एक मैं अहंकार के लिए है कि जब मैं था तब हरि नहीं, और मैं नहीं रहूंगा तो सब साधो हरि बिन जग अंधियारा हो जाएगा, इसलिए जो स्वतः का मैं है वो आपकी चेतना है, और एक मैं जो है अहंकार है, जो अहंकार हमारे जीवन में पतन का द्वार खोल देती है, इसलिए अहंकार नया है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना ही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं, तो मैं की विदाई जरूरी है। प्रभु का पाना तब सरल है जब अहंकार मिटाना सरल है, अहंकार मिट जाए तो प्रभु का साक्षात्कार सहज में ही घट जाए, अहंकार ही बाधक है। तो आइए सारा व्याख्या क्रम से आपको सुनने को मिलेगा, कुछ हम संगीत में, पद्य में, भजन की कड़ी में प्रवेश करें। तेरा तुझे समर्पण कर
कुछ ना
बिन भूरियन